brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. चीन की उम्मीदों पर पानी फेरने का फैसला अब भारत ने वापस ले लिया है। भारत ने तय किया है कि वो चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से ये साफ हो गया कि भारत चीन के साथ संबंधों को सामान्य स्तर पर लेकर के जाएगा। हालांकि सीमा विवाद को सुलझाते हुए ये जरूरी है कि भारत चीन के बीच में इस दोस्ती की स्थापना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर जो उम्मीद जताई वो अब सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब दोनों देशों के बीच में शांति समझौतों और दोस्ती की तरफ बढ़ते कदमों का जिक्र हो रहा है, तब सीमा पर हलचल तेज हो रही है। सीमा पर लगातार भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है और इन बातचीत के बीच चीन की तरफ से लगातार बयान जारी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया चीन पहले ही दे चुका है, लेकिन अब एक बार फिर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर टिप्पणी की गई। पहले चीन ने कहा था कि मजबूत और स्थिर संबंध दोनों देशों के हित में हैं। अब चीन की तरफ से सामने आई दूसरी टिप्पणी में कहा गया कि भारत और चीन ने सीमा पर जारी गतिरोध के समाधान में बड़ी सकारात्मक प्रगति की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओंग निंग ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सीमा विवाद के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि भारत और चीन कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से करीबी संपर्क बनाए हैं और इस संबंध में बड़ी सकारात्मक प्रगति हुई है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है और सीमा विवाद का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। पीएम मोदी की इसी टिप्पणी पर अब चीनी प्रवक्ता की तरफ से दूसरी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि चीन और भारत के अच्छे संबंध दोनों देशों के हित में हैं। चीन उम्मीद करता है कि भारत चीन के साथ एक समान दिशा में काम करेगा, सभी मतभेदों को सुलझाएगा और एक स्थिर ट्रैक पर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रही स्थिति को तत्काल संबोधित करने की जरूरत है, ताकि हमारे द्विपक्षीय बातचीत में आ रही परेशानियों से बचा जा सके। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो, इसे लेकर दोनों ही देश उम्मीद जताते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि सीमा पर हालात सामान्य हो। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर इससे पहले चीन ने अपने बयान में कहा था कि मजबूत और स्थिर संबंध भारत और चीन दोनों देशों के हित में हैं और क्षेत्र और बाकी की दुनिया की शांति और विकास के लिए मददगार भी। चीनी प्रवक्ता ने कहा था कि भारत और चीन के संबंधों को केवल सीमा का मुद्दा परिभाषित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे द्विपक्षीय संबंधों में उचित रूप से रखा जाना चाहिए और इसका ठीक तरीके से समाधान भी होना चाहिए। बता दें, भारत और चीन के बीच 2020 से तनाव जारी है, जिसे कम करने के लिए सीमा पर सैन्य स्तर पर भारत चीन के बीच में लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान के बाद अब सीमा पर हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।